नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रक स्पार्क में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 सिलेंडर डीजल इंजन का कट सेक्शन, जो कि वर्किंग कंडीशंस में। इस वीडियो में हम आपको इंजन्स के जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ में इस मॉडल को रनिंग करके भी बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में जो है लगा हुआ है, ये कहलाता है हमारा रेडिएटर। ये रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसका काम होता है हमारा जो इंजन में कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है वो कूलेंट जो है गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो उस कूलेंट को फिर से एक नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर में लाने का काम जो है ये रेडिएटर करता है। ये रेडिएटर देखेंगे आप, देखिए इस तरह का शो होता है, चारों ओर कोर्स लगी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी मेटल फिन्स होती है। इन फिन्स में जो है कूलेंट सर्कुलेट होता है और ये जो है आउटसाइड जो एयर है, जो बाहर की वातावरण की जो हवा है, उस हवा से हीट का ट्रांसफ़र करती है जिसके कारण ये नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर में आ जाती है। तो ये रेडिएटर फिन्स में आप देखेंगे एल्यूमिनियम की फिन्स होती है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर ये डैमेज हो जाती है तो हमें इसको चेंज करना होता है। बाकी रेडिएटर्स के अंदर कई बार समस्या देखी गई है कि इन रेडिएटर्स में आपका रस्टिंग हो जाती है, जिस कारण हम एक रिवर्स फ्लशिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको बताएंगे कि रिवर्स फ्लशिंग किस तरह की जाती है। तो ये आपका बेसिक रेडिएटर के बारे में जानकारी। तो ये देखिए कट सेक्शन है, ये जो रेडिएटर के ऊपर आपका लगा हुआ है इसे हम कहते हैं प्रेशर कैप। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, प्रेशर कैप। ये प्रेशर कैप का काम होता है कि यहाँ का जो इसके अंदर प्रेशर है वो आपका बढ़ा के रखना, जिससे कूलेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है बढ़ा के रहे। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग लोडेड जो प्रेशर कैप है ये 20 PSI तक प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखती है। तो आपने देखा होगा कई बार जब भी आप इनके ऊपर लिखा होता है डू नॉट ओपन इन हॉट कंडीशन। तो जब भी इंजन स्टार्ट कंडीशन में है या इंजन कुछ समय चल चुका है तो आपको उस कंडीशन में इस प्रेशर कैप को रिमूव नहीं करना है। अगर आप वो करेंगे तो यहाँ से कूलेंट जो है वो स्प्लैश होगा और आपकी बॉडी पे वो हार्म कर सकता है। तो ये हमारा रेडिएटर और प्रेशर कैप। नेक्स्ट जो इसके पीछे है इसे हम कहते हैं रेडिएटर फैन है। ये रेडिएटर फैन का काम है एयर फ्लो जो है वो आपका देना, ताकि जल्दी से जल्दी जो है रेडिएटर हीट ट्रांसफ़र कर पाए। तो ये आपका रेडिएटर फैन है जो नॉर्मली प्लास्टिक का आपका इस तरह रहता है। ये आप देखेंगे इस तरह से इसको यहाँ पे कपलिंग की गई है और यहाँ से इसको ड्राइव करने पे जब हमारा इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टाइम ये ऑपरेट होता है और जल्दी से जल्दी हीट को जो है फ्लो करता है और इंजन का टेम्परेचर जो है नॉर्मल करने में मदद करता है। अगर इन केस ये रेडिएटर फैन अगर माल फंक्शनिंग हो जाता है तो उस केस में भी आपको इंजन ओवर हीटिंग की शिकायत आती है। और सेम आपका रेडिएटर है, अगर रेडिएटर में भी किसी प्रकार की कोई ख़राबी हुई है तो रेडिएटर की वजह से इंजन ओवर हीटिंग की शिकायत जो है आती है। अब आप यहाँ पे देखिए तो इस तरह का ये पूरा इसका पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये है हमारा एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर का काम आप सभी जानते हैं, एयर फिल्टर का काम जो होता है बाहर की जो एटमोस्फेरिक एयर है, इस एटमोस्फेरिक एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उन डस्ट पार्टिकल को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ताकि वो डस्ट पार्टिकल हमारे इंजन के अंदर ना जाए। ऐसा रिसर्च के साथ सिद्ध हुआ है कि अगर विदाउट एयर क्लीनर आप इंजन को रन करते हो तो आपकी इंजन की लाइफ जो है वो 40-50% कम हो जाती है, क्योंकि जो भी मेटल पार्टिकल्स हैं वो आपके इंजन सिलेंडर के अंदर जाएंगे और वो वहाँ पे वियर एंड टीयर करेंगे, जिसके कारण आपका इंजन ओवरहॉल जल्दी होगा। तो ये हमारा एयर क्लीनर है। ये एयर क्लीनर आज पुराना टाइप का है। आजकल आप जो इंजन्स देखेंगे उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के फिल्टर्स जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं। एयर क्लीनर में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एयर क्लीनर को किसी भी प्रकार से आपको क्लीन नहीं करना है। नॉर्मल प्रैक्टिस जो है हम देखते हैं वहाँ पे इन फिल्टर्स को निकाल के एयर प्रेशर द्वारा क्लीन किया जाता है, जिससे वो फिल्टर्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब फर्दर क्या होगा कि बाहर से जो भी एटमोसफेयर एयर आ रही है उनके जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो डस्ट पार्टिकल विदाउट फिल्टर्ड हुए
क्लीनर जो है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली वो आपके इंजन सिलेंडर के अंदर जाएंगे और आपके इंजन को वेयर आउट करेंगे। तो ये देखिए, अब आपका जो पोर्शन है ये हमारी पूरी रोकर आर्म है। ये रोकर आर्म का काम होता है हमारे वाल्व्स को ऑपरेट करना। इंजन्स में आपके एक इनलेट वाल्व होता है, दूसरा आपका एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो इनलेट वाल्व का काम आप सबको भी पता है, ये डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के द्वारा बाहर से जो वातावरण की हवा है वो हवा इस इनलेट वाल्व के थ्रू आती है। तो ये आपका इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू आपका एंटर होगा। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये सारे जो हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर जिसे हम कहते हैं। ये फ्यूल इंजेक्टर जो है इसका काम रहता है हमारे डीजल जो हमारे फ्यूल पंप से आ रहा है उस डीजल को महीन कणों में ऑटोमाइज करके इंजन सिलेंडर के अंदर स्प्रे करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जितने सिलेंडर इंजन्स होते हैं उतने आपको इंजेक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है इंजेक्टर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि ये 6 सिलेंडर जो है इंजन है। अब यहाँ से आप जो देख रहे हैं इंजेक्टर से जो लाइन जा रही है ये मेटल लाइन, ये आपकी होती है हाई प्रेशर पाइप। ये है हमारा इनलाइन पंप। आज के समय में इस इनलाइन पंप को ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज नहीं किया जाता है। आज मैक्सिमम हाई प्रेशर पंप जो है वो यूज किया जाता है। ये इनलाइन पंप जो है, ये देख रहे हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सिलेंडर इंजन के लिए ये सभी एक एक सेपरेट पाइप जो है वो आपके जा रही है इंजेक्टर्स को। इस इनलाइन पंप को बेसिकली ये इसलिए कंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक हाई प्रेशर जो है नहीं बन पाता था। नॉर्मली इनिशियल जो टॉर्क है आपको, जो इनिशियल जो प्रेशर है वो काफ़ी कम मिलता था, तो उस कारण से इस इनलाइन पंप को डिसकंटिन्यू किया गया। दूसरा इसका कारण था ये काफ़ी हैवी है। आजकल के जो आप हाई प्रेशर पंप्स देखते हैं वो हाई प्रेशर पंप काफ़ी छोटे हैं और 2000 बार तक का प्रेशर जो है बनाते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका पूरा स्ट्रक्चर इसका दे रखा है, इसमें प्लंजर सिस्टम्स हैं और ये आपका यहाँ पे फीड पंप है। इन केस ऑफ अगर आपका फ्यूल टैंक में फ्यूल एम्प्टी हो गया तो उसके बाद आपको यहाँ से फीड पंप प्रेस करके यहाँ तक सप्लाई देने के लिए। ये जो है हमारा क्रैंकशाफ्ट से ड्रिवन होता है, क्रैंकशाफ्ट द्वारा इसको ड्राइव किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसकी पुश रोड। ये पुश रोड जो है आपके किससे ड्राइव लेती है, ये पुश रोड हमारी ड्राइव लेती है कैमशाफ्ट द्वारा। तो कैमशाफ्ट द्वारा ये पुश रोड जो है इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है और इसी के थ्रू ये जो रुकी यहाँ से अपवर्ड कैमशाफ्ट जो है, कैमशाफ्ट पे लोब्स बने होते हैं जो लोब्स जो है मूवमेंट करते हैं, उससे ये पुश रोड इसको अप करती है और हमारा वॉल्व जो है वो आपका ओपन होता है और रिटर्न जो है यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई, इस स्प्रिंग के टेंशन की वजह से रिटर्न ये फिर से आपका क्लोज होता है। तो ये हमारा पुश रोड का कार्य हो गया। ये जो आपको कट सेक्शन दिख रहा है ये कट सेक्शन है हमारा एयर कंप्रेशर का। सभी कॉमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस में एयर ब्रेक्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमें एयर चाहिए उस एयर को हमें प्रेशराइज करना है, तो उस प्रेशराइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एयर कंप्रेशर यूज़ करते हैं। सिंगल सिलेंडर आपका ये एयर कंप्रेशर है जो हवा को कंप्रेस करके हमारे एयर टैंक्स में भेजता है। नीचे जो आप ये कट सेक्शन देख रहे हैं ये हमारे हैं फ्यूल फिल्टर के प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह का पेपर कार्टेज टाइप का फिल्टर्स है, ये आपका क्लोथ टाइप का है, तो दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इनमें आपका जो भी फ्यूल है उस फ्यूल में किसी प्रकार का डस्ट पार्टिकल है तो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया जाता है। इन फिल्टर्स की एक लाइफ होती है जो हर मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग होती है। तो जो मैं बता रहा था इन फिल्टर्स की एक लाइफ होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग आपका चेंज करना होता है। उसके अलावा भी अगर आपने किसी प्रकार का खराब फ्यूल यूज़ कर लिया तो उस केस में ये पहले भी चोक हो सकते हैं, तो उस केस में आप उसको पहले बदलाएंगे। अगर फिल्टर चोक होगा तो गाड़ी में लो पिकअप का इश्यू आएगा जिससे ड्राइवर को आइडिया लग जाएगा मेरे फिल्टर जो है चोक हो गए। ये जो है हमारा ऑयल फिल्टर है। इस ऑयल फिल्टर का कार्य आप सभी को पता है, इंजन जो है उस इंजन में हमारा लुब्रिकेशन ऑयल सर्कुलेट होता है, उसके सर्कुलेशन के कारण आप देखते हैं इंजन के अंदर जब आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन है तो उस कारण
कई सारे जो है मेटल पार्टिकल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, तो उन मेटल पार्टिकल को ट्रैप करने का काम ये करता है। अगर वो मेटल पार्टिकल को ट्रैप नहीं करेंगे तो इंजन्स के अंदर वो जो भी ऑयल गैलरीज हैं उनको चोक करेगा और इंजन में फर्दर जो है नुकसान पहुँचाएगा। तो ये हमारा ऑयल फिल्टर हो गया। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है हमारा वाटर पम्प है, जिसको हम कूलेंट पम्प कहते हैं। ये कूलेंट पम्प का काम होता है इंजन के अंदर से जो भी कूलेंट है उस कूलेंट को एक फ्लो देना। ये सिंपल एक सेंट्रिफ्यूगल टाइप का पंप है जो हमारे इंजन के अंदर सर्कुलेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो है यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है। इस थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि इंजन का जब टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है, ये लिमिट नॉर्मली हर इंजन में 82 डिग्री से 85 डिग्री तक रहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे ही आपका टेम्परेचर उस लिमिट से ऊपर जा रहा है तो ये थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है और यहाँ से जो कूलेंट है वो कूलेंट इस रेडिएटर के अंदर जो है वो जाने लग जाता है, जिसके कारण वो कूलेंट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा और नॉर्मल टेम्परेचर का फिर से इंजन में रिसर्कुलेट होने लग जाएगा। तो ये थर्मोस्टेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इंजन का। ये थर्मोस्टेट फेलियर, अगर ये थर्मोस्टेट सही सेंस नहीं कर पाएगा तब भी हमारे इंजन में ओवर हीटिंग की शिकायत जो है वो आपके आने लग जाएगी। दूसरा, अगर ये सही समय से पहले खुल रहा है तब भी हमारे इंजन में इश्यू आएगा। तो ये आपका थर्मोस्टेट हो गया। यहाँ पे आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ये है हमारा अल्टरनेटर। हमारे इंजन के जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, व्हीकल्स के जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उनको चार्ज करने के लिए हमारा अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। तो आप देखें ये इस बेल्ट द्वारा ड्राइविंग लेते हैं, इससे यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करता है जिससे हमारी बैटरी जो है इससे आपके डायरेक्टली बैटरी कनेक्ट होती है और बैटरी को हम चार्ज करते हैं। फर्दर ये है हमारा स्टार्टर मोटर। इस स्टार्टर मोटर का कार्य है हमारे इंजन को क्रैंक करना। ये स्टार्टर मोटर कनेक्ट होता है फ्लाईव्हील के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये फ्लाईव्हील है। इस फ्लाईव्हील के साथ इसका जो पिनियन है वो आपका कनेक्टेड रहता है। जैसे आप इंजन जो व्हीकल इग्निशन है उसको की को क्रैंकिंग पोजीशन पे लाते हैं तो ये यहाँ से जो पिनियन है ये पिनियन फ्लाईव्हील से मैच हो जाता है और फ्लाईव्हील को क्या करते हैं हम रोटेट करते हैं, जिसके कारण फ्लाईव्हील एक रोटेट होने पे वो हमारे इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक करता है और पावर स्ट्रोक से एक बार इंजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वो फर्दर हमारा स्ट्रोक की साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये आपका स्टार्टर मोटर है। ये जो इंजन है ये आपका 24 वोल्ट के ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट मतलब 12 दो जो है बैटरी जो ये यूज़ की जाती है। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं डिपस्टिक। इस डिपस्टिक का यूज़ किया जाता है इंजन के अंदर कूलेंट जो है ऑयल जो है उस ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे ये आपको दो यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है जब भी आप फर्स्ट इनिशियली इंजन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पे डिपस्टिक से ऑयल का लेवल जो है चेक करना है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा क्रैंकशाफ्ट है। ये क्रैंकशाफ्ट के बैलेंस वेट से और यहाँ पे लेके तो ये हमारा क्रैंकशाफ्ट हो गया और क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड रहती है कैमशाफ्ट। तो इधर दिखाते हैं आपको क्रैंकशाफ्ट। तो ये जो है हमारी कैमशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट की स्पीड की हाफ स्पीड में हमारी कैमशाफ्ट जो है वो रोटेट होती है। तो ये देखिए इस तरह का ये हमारा पीछे का बैक पोर्शन है इंजन का। यहाँ से आपका गेयरबॉक्स ट्रांसमिशन जो है वो कनेक्टेड होता है। ये फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के बाद प्रेशर प्लेट, फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, उसके बाद आपका पूरा सिस्टम जो है कनेक्ट रहता है। तो ये था हमारा बेसिक 6 सिलेंडर इंजन। तो हम इसको अब आपको स्टार्ट करके बताते हैं। जो रनिंग कंडीशन में आपका रेडिएटर जो मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए पिस्टन्स हैं, तो पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। ये आपका क्रैंकशाफ्ट जो है मूवमेंट हो रहा है। तो ये कंप्लीट आपका वर्किंग हो गया। तो ऐसे ही आपको कई सारे वीडियो जो हैं टेक्निकल नॉलेज के लिए हम शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच।